बीजेपी की अमृता शर्मा पहुंची लोगों से जनसंपर्क करने के लिए, लोगों से लिया आशीर्वाद। सिविल लाइन के वार्ड 44 की बीजेपी प्रत्याशी अमृता शर्मा लोगों के पास जनसंपर्क करने के लिए पहुंची और लोगों से आशीर्वाद प्राप्त किया। लोगों को अपने काम के बारे में और वार्ड को किस तरीके से एक आदर्श वार्ड बनाने की सोच रखती हैं लोगों को शेयर किया। उनको लोगों ने आशीर्वाद दिया और उन्हें मालाएं पहनाई। भी प्रत्याशी अपने जोश और खरोश के साथ में उतरे हुए हैं। आपकी किस तरीके की तैयारियां चल रही है और क्या क्या मुद्दे लेकर के आप चल रहे हैं? हमारी तैयारी पूरी जोश शोर से चल रही है और मुद्दों की बात रही तो मैं इस पूरे वार्ड 44 को उसका पूरे का सर्वांगीण विकास करने में पूरा मेरा जितना भी हो सकेगा पूरा करने की कोशिश करूँगी। जनता का रुख किस तरीके का है और आपको क्या रेस्पॉन्स मिल रहा है उसको लेकर के? जनता का रुख बहुत अच्छा है। 5 साल जनता ने बहुत दुख झेले हैं और मैं नहीं चाहती आगे भी झेले, और जनता का रुख बीजेपी की तरफ ही है और बीजेपी की तरफ ही रहेगा, क्योंकि जनता देख सकती है आगे 5 साल तक उनके साथ क्या हुआ है। क्योंकि इस वक्त जनता बड़ी त्रस्त है और कन्फ्यूज है, क्या कहना चाहेंगे उनकी कन्फ्यूजन किस तरीके से आप दूर करें? चाहती हूँ कि मैं उनके लिए वो सब कुछ करूँगी जो वो चाहते हैं। कोरोना काल में हमने सबने देखा है कि मतलब जनता की सुनवाई बिल्कुल भी नहीं हुई है। जो भी लोग भूखे थे उनके लिए कुछ भी नहीं करा गया है सरकार द्वारा, तो मैं जनता के लिए वो सब कुछ करना चाहूँगी जो उनके हिस्से में आना चाहिए। आगे किस तरीके की और आप रणनीतियाँ, क्योंकि अभी ये शबाब पे आ चुका है इलेक्शन, इस वक्त एंड के ऊपर चल रहा है, लगभग दो दिन बाद में धारा लग जाएगी, तो उसके बाद में क्या किस तरीके से आप जनता को समझाएंगे कि आपके पक्ष में वो लोग हैं? वो तो देखो जनता खुद समझ सकती है कि हमें किस तरह का नेता चुनना चाहिए किस तरह का नहीं, और जनता बहुत समझदार है और मैं चाहूँगी जनता को यही बोलना चाहूँगी कि वो खुद ही समझदार है। जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे और उसको लेकर? जनता को मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि नेता ऐसा चुनो जो जमीन से जुड़ा हुआ हो, आसमान से जुड़ा हुआ नहीं, जो उड़ रहा है लेकिन बिल्कुल भी नीचे जमीन में देख ही नहीं रहा कि जनता के साथ क्या विश्वासघात हो रहा है, क्या पक्षपात हो रहा है, यही संदेश देना। आपका नाम? अमृता शर्मा, वार्ड नंबर 44 से। जी नमस्कार, मैं रिद्धि शर्मा, दिनेश शर्मा जो मेरे चाचा हैं जो कि बीजेपी में 20 साल से है, और अमृता शर्मा जो कि अभी इसके अंदर रिप्रेजेंटेटिव बनी है वार्ड नंबर 44 की। इन्होंने पॉलिटिक्स में आने से पहले ही बहुत सारे काम किए, जैसे कि सबसे पहले सबसे अच्छी बात कि इन्होंने ग्रीनरी यहाँ पे बहुत अच्छी कर रखी है, हमेशा हर सोशल एक्टिविटीज़ के अंदर ही आगे रहते हैं। जब कोरोना काल चल रहा था इन्होंने हर एक गली में जाके और है ना खाना प्रोवाइड कराया है उन लोगों को जिनके पास लाइक खाने के लिए कुछ भी नहीं था। बहुत जगह ऐसी थी रामगंज में भी, रामगंज की बात करें तो वहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव था जयपुर के अंदर, और हमारे इधर हसनपुर और यहाँ जो कच्ची बस्तियाँ हैं यहाँ पे लोगों के पास आती तो थी मैंने, बट फिर भी लोग नहीं प्रोवाइड करा पाते जिस हद तक ये लोग जाते थे। गवर्नमेंट तो प्रोवाइड करवाती ही करवाती थी बट ये उन लोगों को प्रोवाइड कराते जहाँ तक गवर्नमेंट नहीं पहुँच पाती थी। तो ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है कि हाँ एक एक जने को इन्हें जाके खाना बांटा है और बहुत सारे अच्छे काम करेंगे। इनका बैकग्राउंड अगर देखा जाए तो बहुत सारे लोग बोलते कि पॉलिटिक्स के अंदर यूं ही लोग आ जाते हैं बिना पढ़े लिखे, तो इनका बैकग्राउंड भी बहुत अच्छा है। मेरे चाचा दीपेश शर्मा और अमृता चाची दोनों बैचलर करे हुए हैं पॉलिटिकल साइंस से। अगर जिन लोगों को लगता है कि पॉलिटिक्स के अंदर यूं ही चले जाते हैं, ऐसा नहीं है, एक्सपीरियंस प्लस कॉन्फिडेंस की बहुत ज़्यादा अच्छी इनके अंदर मिक्सचर है इनके अंदर, और मेरे चाचा भी सपोर्ट करते हैं और हम सब घर वाले इन दोनों को बहुत सपोर्ट करते हैं, और ये आप सभी का ध्यान रखेगी। नमस्कार। नंबर 44 से जो अमृता शर्मा जी खड़ी हुई है वो निष्पक्ष रूप से अपने वार्ड के लिए अच्छा कार्य करेगी। वार्ड में पद पर नहीं रहते हुए भी उन्होंने सहयोग किया है पूरे टाइम बीजेपी के लिए या जनता के लिए, तो
आगे भी हमें लगता है कि पूरा सहयोग रहेगा और जीतेगा। आपका नाम? देखिए मैं कृतिका शर्मा, मैं यहाँ की रेजिडेंट हूँ यहाँ की। मैं ऐसा नेता चुनना चाहूँगी जो कि यहाँ पे हम जो जनता है उनका बहुत ध्यान रखे, हमारी जो भी दिक्कतें हैं उनको सुधार लाए। जैसे कि यहाँ पे कोरोना के टाइम पे भी बहुत दिक्कतें हमने सहन की थी लेकिन किसी ने देखा नहीं, लेकिन अमृता शर्मा जी ने बहुत हमारा सहयोग किया था और हम यही चाहेंगे कि इसी तरीके का हम नेता चुन लें। वार्ड नंबर चम्बाली से मैंने कोरोना के टाइम पे देखा है कि अमृता शर्मा जी ने अपने हाथों से रोटी सब्जी बना के गरीबों के या कच्ची बस्तियों में घर घर में जाके उन्होंने हमारा सबका सहयोग लेके हमने हाथों से रोटियां बनाई, सब्जी बनाई, पैकेट बनाए और हर घर में पैकेट पकड़ाए। मेरा विश्वास है कि अमृता शर्मा जी ने कोरोना टाइम में, उनको ये नहीं पता था कि मैं कभी कोई ऐसे वार्ड नंबर 44 में प्रत्याशी बनूंगी और आगे जब उन्होंने कोरोना टाइम में ऐसा सहयोग दिया तो वो ऐसे करेंगे तो वो और भी अच्छा सहयोग देगी और जनता का विश्वास है कि ये बहुत अच्छा काम करेगी। भगवान इनको आशीर्वाद दे और इनको जिताए। इन्होंने वार्ड में तो अभी कदम बढ़ाया है यहाँ पे, तो बाकी जनसेवा में शुरू से ही लगी हुई हैं क्योंकि इनका जनसेवा से ज़्यादा ही लगाव था। और दूसरा हमारे जो इनके हस्बैंड हैं दिव्य शर्मा जी, वो शायद मेरे हिसाब से 17-18 सालों से बीजेपी के लिए कार्य कर रहे हैं और उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि ये मेरे परिवार से अलग है। परिवार को शायद एक बार छोड़ा पर बीजेपी को उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। और अभी कोरोना काल में उन्होंने डायबिटीज पेशेंट है पर उन्होंने परवाह नहीं करी और अपनी पत्नी के सहयोग से जनसेवा में जो भोजन इन्होंने दिया वो बिल्कुल घर से बना हुआ शुद्ध भोजन लोगों को बना, और कम से कम में नहीं तो 200 से 250 लोगों का खाना यहाँ से रोज जाता था और जनसेवा पूरी अच्छी से करी कोरोना काल को देखते हुए। आपका नाम? मेरा नाम उपमा शर्मा जी। मैं भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी अमृता शर्मा वार्ड नंबर 44 से आज खड़ी हुई है पार्षद के लिए। पर इन्होंने जो पार्षद के लिए चुनाव में नहीं खड़ी हुई उससे पहले भी जो इन्होंने समाज को भागीदारी दी है वो भागीदारी इनकी काबिल तारीफ है। इन्होंने ना जो अपने घर को, परिवार को, सबको पीछे छोड़ के और जनता पार्टी के लिए बहुत कुछ किया है, पार्टी को कभी नहीं छोड़ा है। अभी जो उनकी इच्छा है वो ये है कि इसमें वार्ड नंबर 44 में जो भी समस्याएं हैं जैसे कि केबल की और पानी की जो समस्याएं, इनको ख़त्म करने का इनका पूरा विश्वास है कि ये करके बताएंगी। मैं सीता शर्मा,